और चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान का डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के जज्बे को सलाम। फजील असगर कहते हैं कि कोयटा के नवा में 1000 अफराद के लिए 50 एकड़ पर क्वारंटीन सेंटर बना रहे हैं। कोरोना की तशखीस और इलाज के लिए मजीद सामान खरीदा जा रहा है। वायरस से मुतासरा मरीजों के इलाकों की भी स्क्रीनिंग होगी। तफ्तान में आइंदा 3 माह के दौरान 2000 अफराद की रिहाइश का बंदोबस्त भी किया जाएगा। हमारे जो स्टाफ वगैरह हैं या हमारे जो ऐसे लोग हैं लेबर क्लास के हैं जो कारोबार बंद होने की वजह से कमा नहीं सकेंगे, उनके लिए खाना पीना एसेंशियल आइटम्स खरीदना मुश्किल हो जाएगा, तो उनके लिए भी चीफ मिनिस्टर साहब ने एक स्पेशल अरेंजमेंट की तैयारी का हमें कहा है। उस पर भी हम काम कर रहे हैं और वो हम लोग बेफिक्र हो जाएं, हम उनको जो मुस्तहक लोग होंगे उनको सपोर्ट भी करेंगे। अब इसी सिलसिले में जितने फिलेंथ्रोपिस्ट हैं जो इस काबिल हैं कि वो लोगों की सपोर्ट कर सकें, वो कोशिश करें कि हमारे कोरोना वायरस फंड में, बलोचिस्तान के फंड में वो अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन दें, या खाने पीने के कोई बैग्स अगर बना के देना चाहते हैं पीडीएमए के हवाले कर दें, वो अपने स्टोरेज में रखेंगे, जरूरत पड़ने पे वो काम आ सकते हैं। तो इस तरह के सारे इकदाम बलोचिस्तान गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर साहब की सरबराई में और मिनिस्टर साहब के साथ मिलकर ये सारे काम कर रहे हैं।